जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू में आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक 2 घंटे के लिए छूट प्रदान की गई। पुलिस उपायुक्त, कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय और यातायात राजकुमार चौधरी ने आदेश जारी किए थे। छूट अवधि के दौरान फल सब्जी डेयरी और किराना की दुकानों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की दुकानें बंद हैं। छूट अवधि में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन वर्जित है। और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जगदीश जोधपुर से जुड़े हुए हैं। जगदीश, 2 घंटे की छूट दी गई है कर्फ्यू में, हालात अब कैसे बने हुए हैं? बिल्कुल भानु, बताना चाहूंगा 2 तारीख को देर रात को जो उपद्रव जोधपुर में हुआ, उसके बाद में देर रात को ही कर्फ्यू लागू हो गया था जोधपुर में। और आज रेगुलर कर्फ्यू के दूसरे तीसरे दिन जब चौथा जो दिन है उसमें आज 2 घंटे की छूट जरूर दी है। 2 घंटे की छूट के दरमियान जोधपुर के जो 10 थाना क्षेत्र है वहां पे संपूर्ण रूप से लॉकडाउन था। लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे और जिनके मूलभूत जो सुविधा थी, खाने पीने के जो सामान की, वो भी नहीं ले पा रहे थे। तो उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा 2 घंटे की छूट दी गई है। उसको अब लोग अपने घर से निकले हैं और जो उनके जरूरतों के जो सामान है उनको खरीदने के लिए भारी भीड़ देखने को जोधपुर के जो दुकान देखने को मिल रही है। जी जगदीश, जोधपुर में जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, माहौल गर्म है, इस सबके बीच पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? कौन कौन से बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो कमान संभाले हुए हैं? बिल्कुल, समूचा प्रशासन जोधपुर का, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर निगम प्रशासन हो, चाहे साइबर की संस्था, दूसरी तरफ कलेक्टर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जोधपुर के आईएएस आईपीएस सभी अपने अपने स्तर पे, अपनी तरफ से किसी तरह की कोई और घटना ना घट जाए उसको देखते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब तक मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि करीब 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसमें काफी लोगों को 151 में तो कई दूसरी धाराओं में उनको लिया गया है। अब तक कितने कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जगदीश? करीब 249 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने अलग अलग मामलों में। अब उनके उनसे पूछताछ भी की जा रही है और जो मुख्य जो जो लोग है, उपद्रवी भी है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके केस लागू करने की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है प्रशासन द्वारा। जगदीश जगदीश, जोधपुर में वो कौन से हॉट इलाके हैं जहां माहौल ज्यादा तनावपूर्ण है? विशेष तौर पर जो विवादित क्षेत्र है वो जालौर गेट चौराहा है। जालौर गेट चौराहे पर व्यास पार्क है, वहां पर ये उपद्रव हुआ है, उसको चारों तरफ से सीज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा जो विवादित क्षेत्र है जहाँ पे ये घटना या आपका ये उपद्रव होता है, वो जोधपुर शहर का भीतरी शहर है जो परकोटा कहा जाता है। जोधपुर में परकोटे के अंदर इस तरह के जो ये वारदातें ये लोग करते हैं और उसको मद्देनजर पुलिस ने पूरी जो कल रूट मार्च भी किया गया, परसों भी रूट मार्च किया गया और लोगों को समझाइश की भी की गई। वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा और कांग्रेस द्वारा भी अपील की गई है नेताओं द्वारा की भी शांति बनाए रखे, कई शांति सद्भावनाओं की मीटिंग भी चाहिए। लोग दोनों ही गुटों के लोगों और दोनों ही गुटों के जो समाज सेवी लोग हैं उन द्वारा समझाइश भी चाहिए। अब हालांकि बात यह है कि पुलिस और किसी तरह की रिस्क नहीं लेते हुए वो अगर आने वाले समय में कोई इस तरह की घटना ना हो उसको देखते हुए अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसको देखते हुए वो किसी भी स्थिति पे किसी को भी कोई घटना घटने की अंजाम तक आने की नौबत नहीं आने दे, इसलिए उसने पूरे प्रयास कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर लिया है और पूरे नाकाबंदी कर ली गई है। लोगों को बिना मतलब घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। वही बेवजह लोग जो घर से निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, उनकी गाड़ी भी सीज की जा रही है और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जी जी जगदीश, इंटरनेट अभी भी बंद है शहर में क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा 2 तारीख देर रात से लेकर अभी तक इंटरनेट सुविधा जो बिल्कुल बंद कर दी गई है ताकि किसी तरह का कोई अप्रिय मैसेज वायरल ना हो, किसी तरह के कोई लोग अप्रिय मैसेज डाल के किसी तरह की और विविधता ना पैदा कर दे, मारवाड़ की जनता को और कलंकित ना कर दे, इसको देखते हुए इंटरनेट सुविधा बिल्कुल बंद कर दी गई है। अभी तक रेगुलर इंटरनेट सेवा जोधपुर में नहीं चले। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कुछ ऐसे ब्रॉडबैंड है जो वो इंटरनेट जो घरों में ब्रॉडबैंड लगते हैं वो उनके जरूर चालू है, लेकिन जो मोबाइल इंटरनेट संपूर्ण रूप से पूरा बंद कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए।